खवातीन हजरात अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तौसीफ हैदर और मैं हूँ सबा मसूद और हम लेकर आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ट्रेनिंग वीडियो। इस ट्रेनिंग वीडियो में आपको मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम मालूमात दी जाएंगी और आप सब यानी कि पोलिंग स्टाफ को कुछ अहम नुकात भी मैं और सबा बताएंगे जिनका आपने ध्यान रखना है इंतखाबी अमल के दौरान। राइट तौसीफ, मगर क्यों ना इस सारी तफसील से पहले हम अपने साथियों की मुलाकात पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से करवाएं और उनका पैगाम इन सबको सुनवाएं। जी हाँ बिल्कुल, तो इस तरबियती फिल्म के आगाज में आपको पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस इज्जत माब जनाब सरदार मोहम्मद रजा का पैगाम सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। ऐसा उसी सूरत में मुमकिन है जब प्रिजाइडिंग अफसरान और दीगर इंतखाबी अमला अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझे और कवायद के ऐन मुताबिक सर अंजाम दे। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत का जामे प्रोग्राम मुरतब किया है और इस हवाले से ये वीडियो तैयार की है जो कि इंतखाबी अमला, वोटर्स और दीगर शराकतकारों की रहनुमाई के लिए इंतहाई मुआविन साबित होगी। मुझे कवी उम्मीद है कि ये इकदामात आपकी बहसियत इंतखाबी अमला आला कारकर्दगी के जामिन होंगे। इस इलेक्शन की कामयाबी आप सब के तआवुन पर मुनासिर है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। शुक्रिया। जी जनाब, पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पैगाम आपने सुना और अब इस ट्रेनिंग फिल्म में मैं और सबा पहले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि पोलिंग का अमल होने से पहले आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पोलिंग स्टेशन का महले वकू क्या है और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपका पोलिंग स्टेशन कितने फासले पर है। और इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ सहूलियात जैसे कि पानी, बिजली, टॉयलेट, फर्नीचर, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं, और क्या आप अपने पोलिंग स्टाफ यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, आप इन सबको जानते हैं कि नहीं। और इसके अलावा आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर के टेलीफोन नंबर भी मालूम होने चाहिए। बाकी पोलिंग स्टाफ के नंबर्स पास हो ये जरूरी है, चलें ये तो समझ आता है, लेकिन ये रिटर्निंग ऑफिसर का नंबर पास हो ये क्यों? इसलिए कि पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग का सामान लाजमी मौजूद होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि आपका रिटर्निंग ऑफिसर से राबता हो और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास रिटर्निंग ऑफिसर का टेलीफोन नंबर हो ताकि पोलिंग का सामान हासिल करने के दिन, वक्त और जगह के बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको रिटर्निंग ऑफिसर से उसके बारे में मालूमात हासिल हो सके और जब सामान वसूल करना हो तो सारे अमल में आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। पोलिंग से एक दिन पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर से सामान हासिल करेगा। सामान हासिल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिस में काउंटर्स मौजूद होंगे। अच्छा सबा, ये बताएं कि रिटर्निंग ऑफिस में क्या मर्द और खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए जाएंगे? बिल्कुल तौसीक, मर्द और खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए रिटर्निंग ऑफिस में अलग-अलग काउंटर्स मौजूद होंगे जहां से जाकर वो पोलिंग का मटेरियल आराम से हासिल कर सकते हैं। जी सबा, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोलिंग का जो सामान आपने हासिल करना है उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। बैलेट बॉक्सेस, वोटिंग स्क्रीन्स, इंतखाबी सामान का खाकी रंग का बड़ा थैला जिसमें ये सामान मौजूद हो, मुख्तलिफ कैटेगरी की सीटों के लिए सरबमोहर बैलेट पेपर्स के थैले, प्लेकार्ड्स, मसलन पोलिंग स्टेशन में अंदर आने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और वोट डालने की जगह वगैरह। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अहम कामों की फहरिस्त यानी चेकलिस्ट, पोलिंग स्टाफ के बैजेस, निशानों वाले चार्ट, वोटिंग के तरीकाकार के बारे में पोस्टर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए टेबल चार्ट, स्टेशनरी का सामान मसलन कागज, मोमबत्तियां, धागे, सुइयां, माचिस, सूतर का गोला, सेफ्टी पिन, आम पिन,
कार्बन पेपर और सील लगाने के लिए वैक्स, मखसूस कोड वाली और 9 खानों वाली मोहरें, पीतल की सील, अनमिट स्याही, मोहर पैड, बैलेट बॉक्स के लिए प्लास्टिक की सील्स, उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त, वोटर्स की तस्वीरों वाली इंतखाबी फहरिस्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिफाफे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ फॉर्म्स बशमूल गिनती के गोशवारे, स्टेटमेंट ऑफ द काउंट, बैलेट गिनती फॉर्म, बैलेट पेपर अकाउंट, टेंडर्ड और चैलेंज्ड वोटर फहरिस्त, लिस्ट ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स एंड चैलेंज्ड वोट्स लिस्ट, मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात के इस्तेमाल करने के फॉर्म्स का रजिस्टर वगैरह, और हल्के स्लेटी रंग का थैला। पोलिंग स्टेशन रवाना होने से पहले तमाम सामान की मौजूदगी को यकीनी बनाएं और पैकिंग इनवॉइस पे दस्तखत करने के बाद इसकी कॉपी अपने पास संभाल लें। आपके दस्तखत इस बात का सबूत होंगे कि सारा सामान अब आपकी जिम्मेदारी है। साथियों, याद रहे कि वो थैले जिनमें बैलेट पेपर मौजूद है हरगिज न खोले जाएं, क्योंकि इन थैलों को पोलिंग के दिन खोला जाएगा। इसके अलावा एक और चीज भी आपने ज़हन में रखनी है कि अगर कोई भी शख्स आपके पोलिंग के सामान को चोरी करने की कोशिश करे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या आपके काम में रुकावट डाले तो आप फौरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर को इत्तला देंगे या पुलिस को इत्तला देंगे, इसलिए कि ऐसा करना कानूनन जुर्म है। तौसीक, ये बताएं कि क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सारे सामान के साथ कुछ पैसे भी दिए जाते हैं? जी हाँ बिल्कुल सबा, हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सामान के साथ कुछ पैसे भी मिलेंगे जो वो पोलिंग खत्म होने के बाद अपने पोलिंग स्टाफ पे तकसीम करेगा और कब्जुल वसूल पर स्टाफ के दस्तखत भी लेगा। लेकिन तौसीक, ये बताएं कि इतना भारी और हसास सामान लेके पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे कैसे? देखिए जनाब, रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गाड़ी और उसमें मौजूद सामान की हिफाजत का बंदोबस्त करे। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि अपने लिए मुख्तस की गई गाड़ी को ढूंढना है और जो मुंतखब किया गया रास्ता है उस पर सफर करते हुए पोलिंग स्टेशन सामान को लेकर जाना है। एक चीज और आपने ज़हन में रखनी है कि आपके पास रिटर्निंग ऑफिसर का और फोकल पर्सन का टेलीफोन नंबर मौजूद है, उनके साथ कोशिश करें कि रابطے में रहे। रास्ते में कोई रुकावट आए या ताखीर हो रही हो तो उनको फौरी तौर पर इत्तला दें, और जब आप पोलिंग स्टेशन सामान लेके बाहिफाजत इंशाल्लाह पहुंच जाएं तो उसके बाद भी अपने रिटर्निंग ऑफिसर या फोकल पर्सन को टेलीफोन के जरिए इत्तला दें। याद रखें कि पोलिंग के सामान की हिफाजत अब आपकी जिम्मेदारी है। तौसीक, आपने बड़ी पते की बातें बताई, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए। पूछिए पूछिए, जरूर पूछिए। ये बताइए कि खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इतना भारी सामान लेके कैसे जाएंगी? सवाल बहुत अच्छा आपका सवाल है। हर खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए एक नायब कासिद का इंतजाम किया गया है जो हर वक्त उनकी मदद के लिए मौजूद रहेगा। और क्या ये पोलिंग का जितना सामान है क्या ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने घर पे से रख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पोलिंग का सामान अपने घर पे या किसी और जगह बिल्कुल नहीं रख सकते। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जल्द अज जल्द तयशुदा रास्ते पे सफर करते हुए पोलिंग के सामान को बहिफाजत पोलिंग स्टेशन पहुंचाएं। तौसीक, एक आखिरी सवाल है मेरे पास। आखिरी होना चाहिए। बिल्कुल आखिरी सवाल है। ये बताइए कि जब पोलिंग का सामान निकले, सारा चेक होगा, सारा वहाँ पे खुलेगा पोलिंग स्टेशन में, वहाँ पर अगर कोई सामान में कुछ कमी हो जाए, कोई चीज ना हो तो क्या होगा? बहुत अहम सवाल और बहुत अहम नुक्ता है। इसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से सामान वसूल करते वक्त अपने सामान को अच्छी तरह चेक कर लें, और अगर कोई चीज कम हो तो फौरन अपने रिटर्निंग ऑफिसर को या फोकल पर्सन से राब्ता करें। लेकिन फिर भी अगर पोलिंग वाले दिन कोई सामान कम है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को बर वक्त इत्तला दे ताकि रिटर्निंग ऑफिसर मुतालिका सामान की फराहमी का इंतजाम करे। और इसी के साथ हमारे पहले चैप्टर का इख्तिताम होता है। हमने बात की पोलिंग की तैयारी के हवाले से और किन बातों का पोलिंग से पहले ख्याल रखना जरूरी है, और अब बढ़ते हैं अपनी इस ट्रेनिंग फिल्म यानी तरबियती फिल्म के दूसरे चैप्टर की जानिब और कुछ नई चीजें जानते और सीखते हैं। जी, तो अब हम अपने साथियों को बताएंगे कि पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन का कायम किस तरह मुमकिन बनाया जाए और इसके अलावा किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले सबा, जिस बात का हमें ख्याल और ध्यान रखना है वो ये है कि पोलिंग के दिन तमाम पोलिंग स्टाफ मुकर्ररा वक्त से कम अज कम 2 घंटे पहले पोलिंग स्टेशन पहुंचे ताकि पोलिंग का अमल शुरू होने से पहले कुछ जरूरी काम जो है वो बर वक्त किए जा सकें। और इसके अलावा एक और चीज जो हमने जहन में रखनी है वो ये कि पोलिंग इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा वक्त यानी सुबह 7:30 बजे लाजमी शुरू की जानी चाहिए। और जहां तक आप बात कर रही हैं पोलिंग स्टेशन के कयाम के हवाले से, तो वो इतना ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं। हाँ,
जो पोलिंग का सामान और मुनासिब जगह का होना बहुत जरूरी है। अच्छा सबा, यहाँ मैं अपने साथियों को एक मशवरा देना चाहूंगा और वो ये कि वो पहले से अपने जहन में पोलिंग स्टेशन का नक्शा बना लें। ऐसा नक्शा जिसमें जगह का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी हो, मसलन वोटर के अंदर आने और बाहर जाने के रास्ते मखसूस हो, और अगर मर्दों और औरतों का एक ही पोलिंग स्टेशन है तो दोनों के दाखिल होने के और बाहर जाने के रास्ते अलग अलग हों। पोलिंग स्टेशन में मेज इस तरतीब से रखें कि पोलिंग स्टाफ के बैठने की जगह, बैलेट बॉक्स और वोटिंग स्क्रीन रखने की मुनासिब जगह मौजूद हो। पोलिंग एजेंटों के लिए कुर्सियां या बेंच पोलिंग ऑफिसर की मेज से मुनासिब फासले पर रखें ताकि वो पोलिंग ऑफिसर को वोट की तस्दीक में मदद दे सकें और साथ ही पोलिंग के अमल का मुशाहिदा कर सकें। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने के लिए वोटिंग स्क्रीन ऐसी जगह रखें जहां से कोई भी शख्स वोटर को बैलेट पेपर पर मोहर लगाते हुए न देख सके। बैलेट बॉक्स असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नजरों के सामने ऐसी जगह रखा जाए जहां से पोलिंग एजेंट भी बैलेट बॉक्स को आसानी से देख सकें। पोस्टर और प्लेकार्ड्स मुतालिका जगहों पर लाजमी लगाएं। याद रहे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर मरहले पर अहम कामों की फहरिस्त यानी चेकलिस्ट में मुतालिका काम अंजाम देने के बाद इसे टिक करे, क्योंकि ये चेकलिस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पोलिंग के इख्तिताम पर रिटर्निंग ऑफिसर को वापस करनी होगी। अरे वाह तौसीक, लगता है आप तो पूरी तैयारी करके आए हैं। तैयारी क्यों ना हो भाई, कोई भी अहम काम करने से पहले मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। तैयारी तो मेरी भी पूरी है। अब मैं कुछ मालूमात इंतखाबी कवानीन की रोशनी में आपके साथ और साथियों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तौसीक, जैसा कि आपको मालूम है कि पोलिंग स्टेशन में मुख्तलिफ लोग काम करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज होगा और हर पोलिंग बूथ पर दो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और एक पोलिंग ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद होंगे। सबा, ये पोलिंग एजेंट का क्या काम होगा? पोलिंग शुरू होने से पहले से लेकर इसके इख्तिताम तक पोलिंग एजेंट्स मौजूद होंगे। ये पोलिंग एजेंट्स उम्मीदवारों की नुमाइंदगी करते हैं और इलेक्शन के अमल का मुशाहिदा करते हैं। जरूरत पड़ने पर ये वोट डालने वालों की शनाख्त को चैलेंज भी कर सकते हैं। अच्छा सबा, एक और सवाल है आपके लिए। मेरी बारी है सवालों की। जी जी पूछें। सवाल ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट की शनाख्त कैसे करेगा? बिल्कुल, पोलिंग एजेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मुतल्लिका उम्मीदवार की तरफ से जारी करदा इख्तियारनामा दिखाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसका शनाख्ती कार्ड चेक करके नाम और कवायफ की तस्दीक करेगा। अच्छा सबा, अब साथियों को ये बताइए कि इंतखाबी मुबस्सिरीन क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है? बिल्कुल, इंतखाबी मुबस्सिरीन भी पोलिंग के अमल के मुशाहिदे के लिए आ सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके कवायफ की तस्दीक के बाद उन्हें इंतखाबी अमल के मुशाहिदे की इजाजत देगा, लेकिन वो इंतखाबी अमल में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकते और ना ही बैलेट पेपर की सीक्रेसी यानी खुफियापन पर असरअंदाज हो सकते हैं। अगर पोलिंग स्टेशन पर कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तो उससे कैसे निपटा जाएगा? किसी भी इमरजेंसी से निमटने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे, जो कि जरूरत पड़ने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्हें पोलिंग स्टेशन के अंदर बुला सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पूरे पोलिंग स्टेशन के लिए एक इंतखाबी फहरिस्त मिलती है जिसको उसने बूथ के मुताबिक तकसीम करना होता है। सभा में सोच रहा था कि कई बार मर्दों और खवातीन के मुश्तरक पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की सूरत में अगर एक पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ दो बूथ्स हैं तो एक बूथ मर्दों के लिए और एक बूथ औरतों के लिए होगा, लिहाजा इंतखाबी फहरिस्त को मर्द और औरत के हिस्से के मुताबिक अलहदा कर लें। अगर मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पर चार बूथ्स मौजूद हैं तो दो बूथ्स मर्दों के लिए होंगे और दो बूथ औरतों के लिए, और इसी तरह से इंतखाबी फहरिस्तों को चार हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, दो मर्दों के लिए और दो औरतों के लिए। याद रखें कि इंतखाबी फहरिस्तों को तकसीम करते वक्त किसी भी सफ़े को मत फाड़ें। अच्छा ये बताइए कि बैलेट पेपर्स कब और कैसे तकसीम करने हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर के थैलों को पोलिंग शुरू करने से कुछ देर पहले पोलिंग अमले, पोलिंग एजेंटों और इसके अलावा अगर मुबस्सिरीन या उम्मीदवारों में से कोई भी खुद मौजूद हो तो उनके सामने खोलेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर कैटेगरी की सीट के बैलेट बुक नंबर और बैलेट पेपर के सीरियल नंबर की तस्दीक करके उसे बैलेट पेपर अकाउंट पर लिखेगा। तस्दीक के बाद वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बैलेट पेपर्स की कॉपी उनके बूथ के लिहाज से देगा।
इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सरकारी कोड वाली मोहरे, स्टैम्प पैड, पेन, पैमाने और 9 खानों वाली मोहरे देगा, जबकि पोलिंग ऑफिसर्स को स्टैम्प पैड, पेन, पैमाने, अनमिट स्याही और तस्वीर वाली इंतखाबी फहरिस्तें देगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर खाली बैलेट बॉक्स पोलिंग एजेंटों और मुबस्सिरीन को दिखाएगा और फिर उसे सील कर देगा। अगर मुकर्ररा वक्त तक पोलिंग एजेंट ना पहुंचे तो फिर पोलिंग का टाइम क्या होगा? अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा वक्त तक एजेंट मौजूद ना हो तो उनका इंतजार ना करें और सील पर दिए गए कोड को अपने पास नोट करके पोलिंग स्टाफ मुकर्रर वक्त पर पोलिंग शुरू करवा दे। याद रहे कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार हो जाए या किसी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल पैदा होने की वजह से वो पोलिंग स्टेशन वक्त पर ना पहुंच पाए तो सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारियां संभाल लेगा। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी इस तरबियती फिल्म के दूसरे चैप्टर के इख्तिताम तक पहुंचे। इस चैप्टर में हमने पोलिंग स्टेशन के क्याम के हवाले से कुछ अहम मालूमात और नुकात आप तक पहुंचाएं, जो मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आपने गौर से सुने होंगे और नोट भी किए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की जानिब। अब हम एक बहुत ही अहम चैप्टर का आगाज कर रहे हैं, जो कि है पोलिंग के तरीके कार के हवाले से, यानी पोलिंग प्रोसेस के बारे में। तौसीफ, चूंकि आप किसी इंसाइक्लोपीडिया से कम नहीं है, क्यों ना आप हमें बताएं कि पोलिंग प्रोसेस कैसे अमल में लाया जाता है। बहुत आसान है, लेकिन इसको गौर से सुनना है ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी नुक्ता आप मिस ना करें और पोलिंग का अमल बखैर खूबी सही और दुरुस्त तरीके से हो सके। पहली जो बुनियादी बात आपने साथियों ज़हन में रखनी है वो ये कि जो पोलिंग का अमल है, जिसका तरीकाकार है, वो बिल्कुल पिछले इलेक्शंस की तरह है। लेकिन अगर आप जरा तफसील से जानना चाहें तो इसके 5 मराहिल हैं। पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने के बाद पोलिंग ऑफिसर वोटर के शिनाख्ती कार्ड की तस्दीक करेगा। जिन वोटर्स की कौमी शिनाख्ती कार्ड की मुद्दत खत्म हो चुकी है, यानी एक्सपायर्ड शिनाख्ती कार्ड हो, तो वो वोट दे सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि इसके लिए उनका अपना असल कौमी शिनाख्ती कार्ड हो। शिनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी काबिले कबूल नहीं होगी। और मुतालिका कवायफ की पड़ताल और तस्दीक के बाद पोलिंग ऑफिसर वोटर का नाम, सिलसिला नंबर बुलंद आवाज में पुकारेगा या पुकारेगी, ताकि पोलिंग एजेंट वोटर की शराख के मुतालिक अपनी इंतखाबी फहरिस्त से तस्दीक कर सके। पोलिंग ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वो अनमिट स्याही लगाने से पहले इस बात का इत्मीनान करे कि वोटर के अंगूठे पर किसी किस्म की स्याही का निशान ना हो। पोलिंग ऑफिसर वोटर के दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून और जिल्द के जोड़ पर अनमिट स्याही का निशान लगाएगा और इंतखाबी फहरिस्तों से मुतालिका वोटर का नाम सीधी लाइन लगाकर काट देगा। लेकिन इससे पहले मर्द वोटर के बाएं अंगूठे और औरत वोटर के दाएं अंगूठे का निशान उस फहरिस्त पर उसके नाम के सामने लगवाएगा। अब बारी है दूसरे मरहले की। तो साथियों, दूसरे मरहले में वोटर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाकर बैलेट पेपर हासिल करेगा। म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी के इंतखाबात में एक एक बैलेट पेपर, जबकि यूनियन कमेटी में 2 और यूनियन काउंसिल में 3 बैलेट पेपर्स इस्तेमाल होंगे। यूनियन कमेटी के जनरल मेंबर के लिए ऑफ वाइट रंग और चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के लिए सब्ज रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल होगा। इसी तरह यूनियन काउंसिल के जनरल मेंबर के लिए ऑफ वाइट रंग, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के लिए सब्ज रंग और मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए नीले रंग के बैलेट पेपर इस्तेमाल होंगे। म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी के लिए भी नीले रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल होगा। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर के मुसन्ना को पुर करके वोटर के अंगूठे का निशान लेगा और मुसन्ना के सामने दस्तखत और मोहर लगाएगा। इसके अलावा बैलेट पेपर की पुश्त पर भी दस्तखत और मोहर लगाएगा। मोहर और दस्तखत के बगैर बैलेट पेपर को जाया समझा जाएगा। 2 बैलेट पेपर होने की सूरत में वोटर दूसरे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दूसरी कैटेगरी की सीट का बैलेट पेपर हासिल करेगा और दूसरा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसी अमल को दोहराएगा और वोटर को सही वोट डालने का तरीकाकार भी बताएगा। याद रखें कि ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि वो हर बैलेट पेपर के मुसन्ना के तमाम कॉलम्स को पुर करके उस पर अपनी मोहर लगाएं और दस्तखत करें और बैलेट पेपर की पुश्त पर भी मोहर लगाएं और दस्तखत करें। मुसन्ना को पूरी तरह पुर न करना और बैलेट पेपर की पुश्त पर मोहर न लगाना और दस्तखत न करना असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गफलत है, जिससे वोटर का वोट जाया हो सकता है। और तीसरे मरहले में वोटर वोटिंग स्क्रीन के पीछे जाएगा और हर बैलेट पेपर पर
अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने 9 खानों वाली मोहर लगाएगा। इसी तरह चौथे मरहले में वोटर हर बैलेट पेपर को लंबाई के रुख तय करके बैलेट बॉक्स में डालेगा। इस तरह तय करने से न सिर्फ वोटर का वोट खुफिया रहता है बल्कि इससे स्याही का निशान किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर भी नहीं लगेगा। पांचवा मरहला, इसके बाद वोटर बाहर जाने वाले दरवाजे से पोलिंग स्टेशन से बाहर चला जाएगा। याद रखें कि पोलिंग के दौरान खाने के वक्फे के लिए पोलिंग के अमल को रोका नहीं जाएगा, अलबत्ता पोलिंग स्टाफ बारी बारी जाकर खाना खा सकता है। तौसीफ, ये बताएं कि जाया शुदा बैलेट पेपर क्या होता है? ऐसा बैलेट पेपर जिस पर गलती से निशान लग जाए या फट जाए या इस तरह मस्क हो जाए कि एक कारामद बैलेट पेपर के तौर पर इस्तेमाल ना किया जा सकता हो तो वो जाया शुदा या स्पॉइल्ड बैलेट पेपर कहलाता है। इस सूरत में कि अगर किसी वोटर से गलती से बैलेट पेपर खराब हो जाए और वो बैलेट पेपर दुरुस्त बैलेट पेपर के तौर पर शुमार ना किया जा सके और वोटर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दूसरे बैलेट पेपर के लिए दरखास्त करे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर से जाया शुदा या स्पॉइल्ड बैलेट पेपर वापस लेगा। वोटर को जाया शुदा बैलेट पेपर ना ही साथ ले जाने दे और ना ही बैलेट बॉक्स में डालने दे। बैलेट पेपर पर लफ्ज कैंसिल्ड या मनसूख लिखे। काउंटर फाइल पर किए गए दस्तखतों के ऊपर लफ्ज कैंसिल्ड या मनसूख लिखे। जाया शुदा बैलेट पेपर को मुतालिका लिफाफे यानी ECP-5 में डाले। पहले बताए गए तरीके के मुताबिक वोटर को नया बैलेट पेपर जारी करे। अच्छा तौसीक, ये बताए कि ये स्ट्रे बैलेट पेपर ये क्या होता है? ऐसा बैलेट पेपर जो पोलिंग स्टाफ को पोलिंग स्टेशन के अंदर या इर्द गिर्द कहीं से मिले, इसे स्ट्रे बैलेट पेपर तस्वर किया जाएगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको जाया शुदा बैलेट पेपर समझे। अच्छा, क्या तमाम रंगों के बैलेट पेपर्स एक ही बॉक्स में डाले जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल सबा, तमाम रंगों के बैलेट पेपर्स एक ही बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे। और साथियों, अब मैं आपकी तवज्जो एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ दिलाना चाहूंगा और वो ये कि पोलिंग के अमल के दौरान बाज़ोकात कोई नागुजी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। मसलन किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है? अगर कोई वोटर वोट डालने आए और उसके अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान ना हो लेकिन इंतखाबी फहरिस्त में उसका नाम हज़्ब शुदा हो, जिससे ये जाहिर हो कि वोट पहले से डाला जा चुका है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर की शनाख्त की तसल्ली के बाद उसे वोट का हक इस्तेमाल करने की इजाजत देगा या देगी। ऐसी सूरत में ये वोट टेंडर वोट कहलाएगा। ये अमल कुछ इस तरह होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजवजा फॉर्म 9 टेंडर वोटों की फहरिस्त यानी लिस्ट ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स की कॉपी पर वोटर से मुतालिका तमाम मालूमात दर्ज करे और फॉर्म पर वोटर के दस्तखत हासिल करे या अंगूठे का निशान लगवाए। वोटर को मामूल के वोटिंग के अमल से गुजारा जाए। प्रिजाइडिंग अफसर इस बात को यकीनी बनाए कि वो टेंडर्ड बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में ना डाले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वोट को मुकर्रा लिफाफे यानी ECP-6 में रखे। टेंडर्ड वोट्स को वोटों की गिनती में शामिल किया जाएगा? जी नहीं, टेंडर्ड वोट को वोटों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। ये महज एक बैलेट पेपर के तौर पर इस्तेमाल होगा और इसका गिनती के गोशवारे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। असल में ऐसी सूरत में जब एक वोटर आए और उसका नाम लिस्ट से खारिज कर दिया गया हो तो किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए उसको ये हक दिया जाता है कि वो वोट डालने के अमल से गुजरे, लेकिन उसका बैलेट पेपर वोट कंसिडर नहीं होगा और ना ही गिनती में शामिल होगा। तौसीक, आपको तमाम वोट्स के बारे में इतनी डिटेल से मालूम है कि आई एम श्योर हमारे साथी भी इससे मुस्तफीद हो रहे होंगे। अच्छा, ये बताएं कि चैलेंज्ड वोट्स क्या होते हैं? अगर कोई वोटर किसी पोलिंग स्टेशन में वोट डालने आए, उसके हाथ पर यानी उसके अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान ना हो, इंतखाबी फहरिस्त में उसका नाम भी मौजूद हो और हज़्ब शुदा भी ना हो, कोई भी एजेंट या उम्मीदवार किसी भी ऐसे शख्स के वोट को चैलेंज करने का हक रखता या हक रखती है, इसके बारे में इसको यकीन हो कि ये वोटर पहले भी वोट डाल चुका है या वो किसी और वोटर की जगह वोट डालने आया है या आई है, इस सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर दस्तयाब शवाहिद से ये इत्मीनान कर ले कि वो शख्स किसी और वोटर की जगह वोट नहीं डाल रहा। इस शख्स को किसी और की जगह वोट डालने का जुर्म और उसकी सजा से आगाह किया जाए। ये जानने के लिए कि वो शख्स किसी दूसरे का रूप धारने का मुर्तकब हुआ है, कोई भी फौरी दस्तयाब शहादत हासिल करे और उस शख्स को इस गलत हरकत के नतायज से आगाह करे। इस शख्स को वो चैलेंज शुदा वोटर समझे, चाहे उसे उसकी बेगुनाही का यकीन हो। चैलेंज करने वाले एजेंट या उम्मीदवार से प्रिजाइडिंग ऑफिसर
20 रुपए फीस वसूल करेगा और हाथ से लिखी हुई रसीद देगा। मुजवजा फॉर्म 10 चैलेंज किए गए वोटों की फहरिस्त यानी चैलेंज्ड वोट्स लिस्ट पर वोटर के तमाम कवायफ दर्ज करे और वोटर को उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन से बाहर न जाने दे जब तक फॉर्म पर मतलूबा मालूमात दर्ज न कर ली जाए। वोटर को मामूल की वोटिंग के अमल से गुजारा जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वोट को मुकर्रा लिफाफे यानी ECP साथ में रखे। चैलेंज शुदा वोट गिनती में शामिल किया जाएगा। तो उसी किसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि वो लोग जो किसी माजूरी की वजह से वोट ना डाल सकते हों, उन्हें वोट डालने के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता, बल्कि उनका हक है कि उन्हें मददगार फराहम किया जाए, मगर इस मददगार का ताल्लुक किसी पार्टी, किसी पोलिंग एजेंट या पोलिंग अमले से ना हो। अच्छा, ये बताइए सवा के माजूरी किस किस्म की हो सकती है? ऐसा शख्स जो नाबीना हो या इस तरह से माजूर हो कि ना तो वो बैलेट पेपर पर मोहर लगा सकता हो और ना ही तो उसे बैलेट बॉक्स में डाल सकता हो। ऐसी सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि वो मदद के मुस्तहक वोटर्स की हाथ से लिखी गई एक फहरिस्त बनाए अपने साथियों के साथ मिलकर। उस फहरिस्त में ये चीजें शामिल होनी चाहिए: वोटर का नाम और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, वल्दियत, खुसूसी हालत मसलन नाबीना, हाथ का ना होना, सहारे के बगैर चल ना सकना वगैरह, मददगार का नाम और उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, वोटर से रिश्ता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात का अच्छी तरह से इत्मीनान कर ले कि वोटर का मददगार उसके लिए काबिले भरोसा है। मददगार की शनाख्त के लिए उसका शनाख्ती कार्ड तलब किया जा सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मददगार को हिदायत करे कि वो वोटर की मर्जी के मुताबिक उसकी मदद करे। अगर वोट पर मोहर लगाना मकसूद हो तो वो वोटर की मर्जी के मुताबिक बैलेट पेपर्स पर मोहर लगाए और वो किसी भी सूरत किसी को ये ना बताए कि वोटर ने किस उम्मीदवार के हक में वोट डाला है। हामला औरतों, बीमारों और बुजुर्ग अफराद को वोट डालने का तरजीहन मौका दिया जाएगा। सभा का पोलिंग का अमला किसी माजूर वोटर को वोट डालने में मदद दे सकता है? हरगिज नहीं। पोलिंग का अमला किसी भी माजूर वोटर को वोट डालने में मदद नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, उसका वोट तरजीही बुनियादों पर डलवा सकता है। पोलिंग का वक्त खत्म होने से 5 मिनट पहले यानी 5:30 बजने से 5 मिनट पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऐलान करना चाहिए कि पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। तौसीक ये भी बताएं कि क्या पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी क्या कोई वोटर वोट डाल सकता है? पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद सिर्फ वही वोटर्स वोट डाल सकते हैं जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हो। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद किसी भी वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। आखिरी वोटर के वोट डालने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटिंग के अमल को बंद करके बैलेट बॉक्स को 5वीं सील लगाएगा। तो साथियों, इसी के साथ हमारे एक बहुत अहम चैप्टर यानी पोलिंग प्रोसेस का इख्तिताम हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारी बताई गई इन तमाम बातों पे आप अमल करेंगे और इस आसान से मरहले को समझ लेंगे। तो फिर आगे बढ़े। बिल्कुल, क्योंकि आने वाला अगला मरहला बहुत ही अहम और हसास है। इस मरहले में हम बात करेंगे वोटों की गिनती और नतायज के बारे में। ये एक काबिले गौर मरहला है। जी हाँ, पोलिंग के बाद वोटों की गिनती शुरू होती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक कुशादा और महफूज कमरे में गिनती के लिए मुनासिब जगह बनाए। तमाम पोलिंग बूथ से बैलेट बॉक्सेस इस महफूज जगह पर मुंतकिल करें और इस पर लगाई गई सील्स के नंबर पोलिंग एजेंट्स और मुबस्सरीन को पोलिंग शुरू होने से पहले नोट किए गए नंबरों से मुवाजना करने के लिए कहें। गिनती का अमल शुरू करने से कबल बैलेट बॉक्स की सील तोड़ने के लिए इसका फालतू हिस्सा ऊपर से पकड़कर मुखालिफ सम्त में खींचे। अगर सील तोड़ने में कोई मुश्किल हो तो कैंची की मदद से सील का मरकजी हिस्सा काट ले। ये बताएं कि वोटों की गिनती का इनेकाद कैसे होगा? पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के फौरन बाद वोटों की गिनती की तैयारी की जाती है, क्योंकि गिनती का अमल प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए एक अहम और हसास मराहिल में से एक है। गिनती के अमल को खुश उसलूबी और मौसर अंदाज में सरंजाम देने के लिए प्रिजाइडिंग अफसर इन मराहिल पर अमल करे। पहला मरहला, गिनती की तैयारी। दूसरा मरहला, हर कैटेगरी के लिहाज से वोटों को अलहदा-अलहदा सेग्रीगेट करना। तीसरा मरहला, हर एक कैटेगरी में शामिल हर एक उम्मीदवार के लिहाज से वोटों की गिनती करना। चौथा मरहला, बैलेट पेपर्स को संभालना। पांचवा मरहला,
गिनती का गोशवारा और बैलेट पेपर के हिसाब का गोशवारा तैयार करना। इन पांचों मरहलों की तफसील कुछ इस तरह से है। पहला मरहला, गिनती की तैयारी। तमाम बैलेट बॉक्सेस की सीलें तोड़कर इनसे तमाम वोट निकालकर सबको एक जगह इकट्ठा कर लें। सारे बैलेट बॉक्सेस से निकले हुए तमाम वोटों को गिनें और इस तादाद को एक सादा कागज पर नोट कर लें। मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की सूरत में मर्द और खवातीन वोटर्स की तादाद अलग अलग दरकार होगी। चुनांचे इस सूरत में मर्द और खवातीन वोटर्स के एदाद और शुमार ऐसे हासिल किए जा सकते हैं। मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की सूरत में मर्द और खवातीन के पोलिंग बूथ पर रखे गए बैलेट बॉक्सेस में मौजूद वोटों को अलहदा अलहदा गिन लें और वोटों की तादाद नोट करें। या फिर अगर पोलिंग स्टेशन पर मुख्तशदा वोटों में मर्द और खवातीन दोनों किस्म के वोटों की तादाद शामिल हो तो इस सूरत में खवातीन पोलिंग बूथ पर इस्तेमाल शुदा इस कैटेगरी की तमाम बैलेट पेपर बुक्स के जारी करदा बैलेट पेपर्स के काउंटर फॉइल की तादाद को गिन लें जिन पर बैलेट पेपर जारी किया गया है। इस तादाद में ऐसे बैलेट पेपर जिनको किसी भी वजह से कैंसिल या टेंडेड किया गया हो उनके काउंटर फॉल की तादाद को इस गिनती में शामिल ना करें। तमाम जारी शुदा बैलेट पेपरों के लिहाज से हासिल शुदा काउंटर फॉल्स खवातीन वोटर्स की तादाद को जाहिर करेगी, लिहाजा इस तादाद को नोट कर लें। इसी तरह मर्दाना पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की तादाद गिनकर नोट कर लें। दूसरा मरहला, कैटेगरी के लिहाज से वोट अलहदा अलहदा करना। यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी में सीटों की कैटेगरी के लिहाज से वोटिंग की सूरत में पोलिंग अमले की मदद से अब तमाम वोटों को हर कैटेगरी के लिहाज से अलहदा अलहदा करें। इस तरह हर कैटेगरी के वोट अलहदा अलहदा हो जाएंगे। अब हर कैटेगरी के लिहाज से हासिल शुदा वोटों की तादाद को बारी बारी गिन लें और साथ साथ कैटेगरी के लिहाज से होने वाले वोटों की तादाद को सादा कागज पर नोट करते जाएं। जब हर कैटेगरी के लिहाज से वोटों की तादाद नोट हो जाए तो इन्हें जमा कर लें। इस मजमुए को तैयारी के मरहले में बताए हुए हासिल शुदा वोटों के मजमुए से मवाजना करें। अगर दोनों मरहलों के मजमुए में कोई फर्क नहीं तो इस बात का इत्मीनान है कि तमाम बैलेट बॉक्सेस से निकले हुए वोटों को हर कैटेगरी के लिहाज से अलहदा अलहदा किया जा चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी की जनरल सीट के लिहाज से वोटों की सूरत में याद रहे कि म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी में बराह रास्त इलेक्शन सिर्फ जनरल सीट की कैटेगरी के लिए है, इसलिए बैलेट बॉक्स में से निकलने वाले तमाम बैलेट पेपर्स एक ही कैटेगरी के लिए होंगे। तीसरा मरहला, हर कैटेगरी में शामिल हर एक उम्मीदवार के लिहाज से वोटों की गिनती करना। यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी की सीटों के लिहाज से वोटिंग की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हर कैटेगरी में शामिल हर एक उम्मीदवार के लिहाज से वोटों की गिनती करनी है। दूसरे मरहले के इख्तिताम तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास हर कैटेगरी के वोट अलहदा अलहदा पड़े हुए हैं। एक वक्त में किसी एक कैटेगरी में शामिल तमाम उम्मीदवारों के लिहाज से वोटों की गिनती की जाएगी। यहाँ मिसाल के तौर पर पहले यूनियन काउंसिल की कैटेगरी यानी जनरल सीट के हवाले से हर उम्मीदवार के वोटों की गिनती का अमल बताया जा रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग अमले की मदद से यूनियन काउंसिल की कैटेगरी यानी जनरल सीट के लिए अलहदा किए गए वोटों को उठाए और ये काम सर अंजाम दे, जैसे कि वोटों को गिनती में शामिल या खारिज करने के हवाले से हर बैलेट पेपर का सही तरीके से मुआयना करें, गिनती से खारिज शुदा वोटों को अलहदा रखते जाएं ताकि हर बैलेट पेपर का मुआयना मुकम्मल हो जाए, हासिल शुदा तादाद को साफ कागज पर लिख लें। ये मजमुआ गिनती के गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट के हिस्सा दोयम के जुज दो यानी सब पॉइंट दो में लिखने के लिए हासिल किया गया है। अब गिनती में शामिल दुरुस्त वोटों को हर उम्मीदवार के लिहाज से अलहदा अलहदा कर लें और हर एक उम्मीदवार के लिहाज से गिनती में शामिल वोटों का मजमुआ एक अलहदा साफ कागज पर लिख लें। इस तरह गिनती के गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट में मौजूद कॉलम नंबर 4 को पूर करने के लिए भी एदाद और शुमार तैयार किए जा चुके हैं। इस कैटेगरी के लिहाज से तमाम चैलेंज शुदा बैलेट पेपर्स को लिफाफा ECP-7 से निकालकर गिनती में शामिल या खारिज करने के हवाले से हर सही तरीके से मुआयना करें, गिनती में शामिल होने वाले वोटों को उम्मीदवारों के लिहाज से अलहदा करें, हर एक उम्मीदवार के लिहाज से गिनती में शामिल वोटों के मजमुए के सामने तादाद भी लिख दें। इसी तरह गिनती के गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट में मौजूद कॉलम नंबर 5 को पूर करें, गिनती से खारिज होने वाले वोटों की कुल तादाद को सादा कागज पर नोट करें।
अब इस कैटेगरी के लिहाज से तमाम चैलेंज शुदा बैलेट पेपर्स को, यानी वो जो गिनती में शामिल किए गए और वो जो गिनती से खारिज शुदा हुए, इन तमाम को वापस लिफाफा ईसीपी 7 में रखें। चौथा मरहला, बैलेट पेपर्स को संभालना। हर उम्मीदवार के हासिल करदा वोटों को अलहदा अलहदा लिफाफा ईसीपी 1 में रखें। याद रहे कि वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने कोई एक वोट भी हासिल किया हो, उन सब के लिए अलहदा अलहदा लिफाफा ईसीपी 1 तैयार होगा। गिनती से खारिज शुदा तमाम वोटों को लिफाफा ईसीपी 2 में रखें। तमाम ईसीपी 1 लिफाफे और ईसीपी 2 को बड़े लिफाफे ईसीपी 3 में डाल दें। पांचवा मरहला, गिनती का गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट और बैलेट पेपर के हिसाब का गोशवारा यानी बैलेट पेपर अकाउंट तैयार करना। सादा कागज पर तैयार किए गए एदादो शुमार की मदद से हर कैटेगरी के लिए गिनती का गोशवारा फॉर्म 11 यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट तैयार करें। गिनती के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद पोलिंग एजेंट और मुबस्सरीन को गिनती के अमल का मुशाहिदा करने की इजाजत दें। अच्छा सवा, ये बताइए, ये गिनती से खारिज शुदा वोट कौन से होते हैं? ऐसे बैलेट पेपर्स जिनकी पुश्त पर सरकारी निशान यानी ऑफिशियल कोड मार्क ना हो और असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत ना हो, जो सरकारी बैलेट पेपर ना हो, जिस बैलेट पेपर पर 9 खानों वाली मोहर के अलावा कोई और निशान हो, जिस बैलेट पेपर के साथ कोई कागज या कोई और चीज मुंसलिक हो, जिस बैलेट पेपर पर मोहर का निशान ना हो या एक से जायद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानों पर मोहर लगी हो, जिस बैलेट पेपर पर मोहर इस अंदाज से लगाई गई हो कि जिससे ये तायुनी ना हो सके कि किस उम्मीदवार के हक में लगाई गई है। गिनती से खारिज शुदा वोट अलग करने के बाद दुरुस्त वोटों की गिनती की जाएगी और उसे गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ काउंट में दाखिल किया जाएगा। इसके बाद उन्हें हर उम्मीदवार के लिहाज से अलहदा पैकेट्स में रखा जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि दुरुस्त वोट कौन से होते हैं? ऐसे तमाम बैलेट पेपर्स जिन पर वोटर ने वाजे तौर पर किसी उम्मीदवार या निशान के सामने 9 खानों वाली मोहर लगाई हो। इसके अलावा ऐसे बैलेट पेपर जिन पर ज्यादा रोशनाई लगी हो या गलत तरीके से तय करने पर मोहर की स्याही का अक्स किसी दूसरे उम्मीदवार के निशान पर लग गया हो, लेकिन इससे ये वाजे हो कि मोहर का निशान किसी खास उम्मीदवार के निशान पर लगाया गया है। जिस बैलेट पेपर पर मोहर 2 उम्मीदवारों के दरमियान लगाई गई हो लेकिन किसी एक उम्मीदवार के निशान पर मोहर का ज्यादा हिस्सा हो, तो वो वोट उस उम्मीदवार की गिनती में शामिल किया जाएगा। जिस बैलेट पेपर पर एक ही उम्मीदवार के निशान पर एक से ज्यादा बार मोहर लगाई गई हो। गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट का फॉर्म 11 और बैलेट पेपर हिसाब के गोशवारे यानी बैलेट पेपर अकाउंट फॉर्म 12 को मुकम्मल करने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्मों पर दस्तखत करेगा और वहां मौजूद पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत लेगा। हर सीट की कैटेगरी के लिए अलहदा अलहदा यही तरीकेकार मुकम्मल किया जाएगा। हर पोलिंग एजेंट के लिए गिनती के गोशवारों यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट की कॉपियां बनवाएं और गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट की एक कॉपी ईसीपी के लिफाफा 12 में और बैलेट पेपर के हिसाब यानी बैलेट पेपर अकाउंट की एक कॉपी ईसीपी के लिफाफा 13 में रखकर दोनों लिफाफों को सील किया जाएगा और उन्हें कैटेगरी के हिसाब से बैलेट पेपर वाले बैग में रखा जाएगा। गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट और बैलेट पेपर हिसाब यानी बैलेट पेपर अकाउंट की असल यानी ओरिजिनल कॉपी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अहम कामों की फहरिस्त यानी चेकलिस्ट टैम्पर एविडेंट बैग में बंद करके रिटर्निंग ऑफिसर को बाय हैंड दी जाएगी। गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट की कॉपी पोलिंग एजेंट्स को दी जाएगी और पोलिंग स्टेशन के बाहर चस्पा भी की जाएगी। याद रखें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट और अमले के सामने नतीजे का बुलंद आवाज में ऐलान भी करेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन दोनों फॉर्म्स की कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखेगा। तमाम फॉर्म्स और गोशवारे मुतल्लिका लिफाफों में रखकर उन्हें पीतल की सील से बंद किया जाएगा। जी तो साथियों, हमने अभी तक आपको पोलिंग से पहले पोलिंग मटेरियल हासिल करने के बारे में बताया, फिर तौसीक ने आपको बताया कि किस तरह से पोलिंग स्टेशन को तरतीब देना है।
इसके अलावा हमने बात की कि बैलेट पेपर्स किस तरह से बांटने हैं, फिर हमने बात की कि जो पोलिंग स्टेशन है उसको किस तरह से उसका कयाम में लाके पोलिंग के अमल को किस तरह जारी किया जाए, और पूरे दिन में कौन सी चीजें हैं, कौन से नुकात हैं जिनको आपने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग स्टाफ की हैसियत से जहन में रखना है। खासतौर पर सुबह हमने बात की कि माजूर अफराद, नाबीना अफराद, हमला खवातीन, वो लोग जो चल नहीं सकते या एक हाथ या एक टांग से माजूर है या बहुत ज़ईफ़ है, उनको किस तरह से वोट डालने के लिए तरजीह देनी है। बिल्कुल, और क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं इस पूरे प्रोसेस के हवाले से वो भी आपको बताया। तौसीक, आई थिंक अब कुछ रह नहीं गया है, सब हमने बता दिया। सब बता दिया, लेकिन अभी एक दो मराहिल हैं बहुत अहम सभा जो हमने कवर करने हैं। कौन से बताएं? वो ये है जनाब कि अब ये जो पूरा गिनती के बाद हमारे पास सामान है, बैलेट पेपर्स हैं, दूसरा पोलिंग का मटेरियल और सामान है, इसको किस तरह से हमने पैक करना है और किस तरह से वापस रिटर्निंग ऑफिस में जाके जमा कराना है, वो भी बाहिफाजत तरीके से। यकीनन, और अब सिलसिला है सामान को पैक करने का। इसको बाहिफाजत एक खास तरीके के मुताबिक पैक करना है। कुछ सामान रिकॉर्ड के लिए रख लिया जाएगा और कुछ आइंदा आने वाले इंतखाबात में इस्तेमाल होगा। तौसीक, इस तमाम सामान को पैक किया कैसे जाएगा? जी हाँ, सामान का कुछ हिस्सा साथियों लिफाफों में और कुछ हिस्सा थैलों में पैक किया जाएगा। लिफाफों में डाले जाने वाले सामान की तफसील ये है। ECP 1, इसमें हर उम्मीदवार के हासिल शुदा वोट डालें। ECP 2, इसमें गिनती से खारिज शुदा बैलेट पेपर डालें। ECP 3, इसमें ECP 1 और ECP 2 लिफाफे डालें। ECP 4, इसमें गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स डालें। ECP 5, इसमें जाया शुदा बैलेट पेपर्स डालें। ECP 6, इसमें टेंडर्ड वोट डालें। ECP 7, इसमें चैलेंज शुदा वोट डालें। ECP 8, इसमें इंतखाबी फहरिस्तें डालें। ECP 9, इसमें इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स के मुसन्ना यानी काउंटर फॉइल्स डालें। ECP 10, इसमें टेंडर्ड वोटों की फहरिस्त डालें। ECP 11, इसमें चैलेंज शुदा वोटों की फहरिस्त डालें। ECP 12, इसमें गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट की कॉपी डालें। ECP 13, इसमें बैलेट पेपर के हिसाब के गोशवारे यानी बैलेट पेपर अकाउंट की कॉपी डालें। ECP 14, इसमें मुतफर्रक कागजात डालें। और ECP 15, इसमें पीतल की मोहर डालें। तमाम इंतखाबी सामान और लिफाफों को तीन तरह के थैलों में पैक किया जाएगा। सब्स थैले में यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से मुतालिक लिफाफे यानी ECP 3, ECP 4, ECP 5, ECP 6, ECP 7, ECP 9, ECP 12 और ECP 13 रखे जाएंगे। सफेद थैले में यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी के जनरल मेंबर से मुतालिक लिफाफे यानी ECP 3, ECP 4, ECP 5, ECP 6, ECP 7, ECP 9, ECP 12 और ECP 13 रखे जाएंगे। नीले थैले में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी के जनरल मेंबर से मुतालिक लिफाफे यानी ECP 3, ECP 4, ECP 5, ECP 6, ECP 7, ECP 9, ECP 12 और ECP 13 रखे जाएंगे। खाकी रंग के बड़े थैले में सरबमहर, छोटे सब्ज, सफेद और नीले थैले बशमूल ECP 8, ECP 10, ECP 11 और ECP 14 रखे जाएंगे। सुरमई रंग के बड़े थैले में बाकी बच जाने वाला सामान यानी तमाम किस्म की मोहरें, गैर इस्तेमाल शुदा अनमिट स्याही, स्टैम्प पैड, गैर इस्तेमाल शुदा स्टेशनरी, गैर इस्तेमाल शुदा लिफाफे और फॉर्म्स, गैर इस्तेमाल शुदा पोस्टर्स और इस्तेमाल शुदा सीलें रखी जाएंगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सामान की रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर को रवानगी के वक्त के बारे में फोकल पर्सन को बताएगा। याद रहे कि सामान की रवानगी सख्त सिक्योरिटी में की जाएगी। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अहम कामों की फहरिस्त यानी चेकलिस्ट बराए प्रिजाइडिंग ऑफिसर दी जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी जिम्मेदारियां सरंजाम देते हुए इसे टिक करेगा। तो साथियों, अब मैं ये बताऊंगी कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये सारा सामान वापस करेगा। तमाम सीट कैटेगरीज के गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट और बैलेट पेपर हिसाब यानी बैलेट पेपर अकाउंट, कब्ज़ुल वसूल, पीतल की सील, वोटिंग स्क्रीन, बैलेट बॉक्स, हसास और गैर हसास सामान पर मुश्तमिल दोनों बैग और टैम्पर एविडेंट बैग में सील शुदा स्टेटमेंट ऑफ द काउंट यानी गिनती का गोशवारा, बैलेट पेपर के हिसाब का गोशवारा यानी बैलेट पेपर अकाउंट और चेकलिस्ट, ये सब रिटर्निंग ऑफिसर को बाय हैंड दी जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट वसूल करते वक्त उसे चेक करेगा ताकि किसी भी किस्म का कोई मसला बाद में पेश ना आए।
इस बात को यकीनी बनाने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी खत्म हो जाती है। साथियों, जाते जाते मैं आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के कुछ खास इख्तियारात के बारे में बताना चाहता हूं जो उन्हें इस खास अमल के लिए यानी कि इलेक्शंस के लिए, इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देता है। और ये इख्तियारात मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात होते हैं जो इलेक्शन से एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक उनके पास रहते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें साथियों होता यह है कि अगर पोलिंग स्टेशन के अंदर या पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई गैर कानूनी हरकत होते हुए देखे, अगर बैलेट बॉक्स या बैलेट पेपर्स को चुराने की कोशिश की जा रही हो या वोटर्स को नुमाइंदे खुद या उनके हिमायती हरासा करने की कोशिश कर रहे हों, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के दर्जा अव्वल के इख्तियारात रखता है और वो उसी जगह पे समरी ट्रायल भी कर सकता है। और तौसीक, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इख्तियारात हों तो वो किस किस्म की सरगर्मियों पर कार्रवाई कर सकता है? अगर कोई शख्स इंतखाबी अमल के दौरान किसी सरकारी अफसर की मदद लेता है या किसी उम्मीदवार के जीतने में रुकावटें खड़ी करता है, गैर कानूनी तरीके से वोट डालता है या एक से ज्यादा मर्तबा वोट डालता है, बैलेट पेपर चोरी करता है, इंतखाबी सामान को नुकसान पहुंचाता है, किसी को वोट डालने से रोकता है, पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर के अंदर किसी उम्मीदवार के लिए वोट मांगता है, ग्रामोफोन, मेगाफोन या लाउडस्पीकर इस्तेमाल करता है ताकि उसकी आवाज पोलिंग स्टेशन तक सुनी जा सके, किसी शख्स के वोट डालने की राह में रुकावट डालता है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर या अमले के किसी दूसरे फर्द के काम में मदाखलत करता है, जानबूझकर बैलेट पेपर को नुकसान पहुंचाता है, बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर निकालता है या बैलेट बॉक्स में कोई और बैलेट पेपर डालता है जो कानूनन दुरुस्त ना हो, किसी इख्तियार के बगैर किसी शख्स को बैलेट पेपर देता है, बैलेट बॉक्स या उनके पैकेट को खोलता है या कोई सील तोड़ता है, वोटिंग के अमल के खत्म होने के बाद काम में रुकावट डालता है या उसको रोकने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता है, वोट डालते वक्त किसी वोटर के रास्ते में रुकावट खड़ी करता है या उसके काम में मुदाखलत करता है। अच्छा तौसीक, ये बताएं कि ये समरी ट्रायल क्या है? समरी ट्रायल से मुराद किसी रिवायती या तवील तरीक़ाकार मसलन तफ्तीश करने, जिरा करने या शहादतों के बगैर फौरी तौर पर फैसला सुनाया जाए। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत मैजिस्ट्रेट समरी ट्रायल के बाद किसी केस का फैसला सुना सकता है। और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट मजरिया 2013 के बाब पंजम में बयान करदा तमाम जराइम के इर्तकाब के खिलाफ मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तौसीक, ये बताएं कि समरी ट्रायल की बात हो रही है तो क्या समरी ट्रायल का कोई तरीकेकार भी होता है? जी हाँ सभा, समरी ट्रायल का तरीकेकार बहुत आसान और सहल होता है। पहली बात तो ये, इसमें सबूत रिकॉर्ड कराने की जरूरत नहीं होती, इसमें बाकायदा फर्द जुर्म आयद नहीं होता। जुर्म की नौयत के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर या कोई भी शख्स जिसको ये इख्तियारात दिए गए हों सजा दे सकता है। मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए फॉर्म्स के रजिस्टर में जरूरी मंदरजात को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकम्मल तौर पर पुर करेगा और इस पर दस्तखत करके मुलजिम को पुलिस या सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले करेगा। तो अब हम अपने साथियों से चाहेंगे इजाजत और बताएंगे कि कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पोलिंग से एक दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर से सामान वसूल करना और इस बात को यकीनी बनाना कि सामान पैकिंग इनवॉइस के मुताबिक है और इस इनवॉइस की कॉपी आप अपने पास महफूज रख लें। ये भी याद रहे कि इस तमाम इंतखाबी सामान की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। पोलिंग शुरू होने से कम अज कम एक घंटा पहले पोलिंग स्टेशन को कायम करना और पोलिंग के अमले और सिक्योरिटी एहलकारों को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह करना। पोलिंग का वक्त खत्म होने तक पोलिंग स्टेशन में मौजूद तमाम लोगों को वोट डालने देना। बैलेट पेपर्स का मुआयना करके उनकी गिनती करना। याद रहे कि बैलेट पेपर्स के हिसाब और गिनती के गोशवारों की वाफर मिकदार में कॉपियां बनाना जरूरी है। तमाम फॉर्म्स को दोबारा चेक करना, उन पर दस्तखत करना और उनको मुतल्लिका लिफाफों में डालना। इलेक्शन के सामान को पोलिंग मटेरियल के बैग्स में डालना और उसको पीतल की सील से सील करना। याद रखें कि फॉर्म्स और सामान को बाहिफाजत रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक पहुंचाया जाए। किसी किस्म की मदद या मजीद मालूमात के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान ट्रेनिंग के दौरान फराहम की गई हैंडबुक बराए प्रिजाइडिंग अफसरान और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस सिंध 2015 का मुताला करें। तो साथियों, इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तैयार की गई और पेश की गई इस ट्रेनिंग फिल्म का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा।
मैं सबा मसूद और तौसीक हैदर अब लेंगे आपसे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि आज हमने जितने भी रुकावट उठाए, जो भी मालूमात आप तक पहुंचाई, वो ना सिर्फ आपने सुनी समझी बल्कि उन पर अमल भी करेंगे। खुदा हाफिज़।